Hello friends, good morning to all of you. Up to now, we have completed all accounting adjustments or we have finished all theoretical part of chapter retirement of partner. Now in today's video, we are going to solve practical question from our BK textbook. Okay, today we are going to solve question number 1, page number 172 from our BK textbook. Let me start. Question number 1 of retirement of partner. Given below is the balance sheet of Raja, Rani and Pradhan, who were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Now there are three partners, Raja, Rani and Pradhan, and all three partners were sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. ओके, सो इट्स देयर ओल्ड रेशियो. आपको क्वेश्चन में जो भी शुरू में जो रेशियो दिया है वो उनका कौन सा रेशियो होगा? ओल्ड रेशियो होगा. सो व्हाट विल बी देयर ओल्ड रेशियो? 5:3:2 मींस 5/10, 3/10 एंड 2/10, ये उनका ओल्ड रेशियो है. ओके, नो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, इट इज देयर ओल्ड बैलेंस शीट. पार्टनर रिटायर्ड होने से पहले फर्म का जो बैलेंस शीट था वो आपको दिया है. इन लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, ओके, नाउ क्रेडिटर्स विल बी ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड. सो हियर वी विल राइट एल. ओके, हियर वी आर गोइंग मार्किंग ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के आइटम कहाँ ट्रांसफर होने वाले उसकी हम मार्किंग करेंगे. सो क्रेडिटर विल बी ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट. ओके, बैंक ऑर्डर, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, सो इट विल बी ऑल्सो ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड. रिजर्व फंड, नाउ रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, सो जनरल रिजर्व होगा, रिजर्व फंड होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो हियर वी विल राइट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, देन कैपिटल अकाउंट ऑफ राजा, रानी, प्रधान, इट विल बी ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. कैपिटल का जो उनका बैलेंस है वो आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है. सो हियर वी विल राइट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, नाउ असेट्स, कैश, कैश वी विल राइट इन असेट साइड. डेटर असेट, स्टॉक असेट, मशीनरी असेट, land asset and furniture is also assets. Okay, so all these assets will be transferred to asset side. Now on 1st April 2019, Pradhan retired on the following terms. Now out of three partners, out of Raja, Rani and Pradhan, Pradhan has retired on 1st April 2019. Okay, so continuing partner will be Raja and रानी. प्रधान रिटायर्ड होने के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर जो रहेंगे वो रहेंगे राजा और रानी. सो रिटायर्ड पार्टनर इज प्रधान एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर विल बी राजा एंड रानी. ओके, नाउ हियर सम एडजस्टमेंट्स आर गिवन आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ प्रधान. वी विल रीड एडजस्टमेंट वन बाय वन. फर्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज इन द बुक्स एट 20,000. नाउ हियर फर्स्ट एडजस्टमेंट इज रिलेटेड विद गुडविल. गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म मीन्स ऑल पार्टनर. गुडविल ऑफ द फर्म, हियर फर्म मीन्स ऑल पार्टनर. पार्टनर राजा, रानी एंड प्रधान, इन तीनों की गुडविल क्या हुई है? रेज हुई है. ओके, इन द बुक्स ऑफ रुपीज एट रुपीज 20,000. नाउ दैट एडजस्टमेंट वी विल सी इन डिटेल्स एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग दिस एडजस्टमेंट. ये जब एडजस्टमेंट हम सॉल्व करेंगे तब हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो इन फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज. दिस इज केस नंबर वन. ये केस नंबर वन है जब पूरे फर्म का गुडविल रेज होता है, तो वो केस वन होता है. ओके, स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर बाय 5% एंड मशीनरी बाय 11%. सो देर इज डिक्रीज और ऑल थ्री असेट्स आर रिड्यूस. असेट लाइक stock, machinery and furniture, these three assets are reduced. Okay, so we will mark or we will give number 3 to the stock,
मशीनरी एंड फर्नीचर, दिस इज एडजस्टमेंट नंबर टू। स्टॉक रिड्यूस हुआ है, मशीनरी रिड्यूस हुआ है एंड फर्नीचर इज ऑल्सो रिड्यूस। ओके, सो ये एडजस्टमेंट नंबर टू था। देन एडजस्टमेंट नंबर थ्री इज आरबीडीडी। आरबीडीडी मीन्स रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर। ओके, सो दिस एडजस्टमेंट इज रिलेटेड विद डेटर। ओके, डेटर के ऊपर आपको 5% आरडीडी चार्ज करना है। सो वी विल मार्क नंबर थ्री टू दी डेटर। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट इज रिलेटेड विद डेटर्स। एडजस्टमेंट नंबर फोर, ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ। व्हाट डू मीन बाय रिटर्न ऑफ? रिटर्न ऑफ मीन्स कैंसल। ओके, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कैंसल। सो ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर के हमें ₹200 क्या करने हैं? राइट ऑफ करने हैं, कैंसिल करने हैं, माइनस करने हैं, कम करने हैं। ओके, सो एडजस्टमेंट नंबर फोर इज रिलेटेड विद क्रेडिटर। सो वी विल गिव नंबर फोर टू दी क्रेडिटर। ओके, एडजस्टमेंट नंबर फाइव, आउट ऑफ अमाउंट ड्यू टू प्रधान, ₹5,000 टू बी पेड बाय कैश। ओके, प्रधान इज अ रिटायर्ड पार्टनर, सो उसके रिटायरमेंट के बाद हमें उसे फाइनल सेटलमेंट देना है, उसका उसे पैसा देना है। सो वी हैव पेड ₹5,000 टू दी प्रधान बाय कैश। हमने उसे ₹5,000 कैसे दिए? कैश से दिए। ओके, एंड रिमेनिंग अमाउंट मतलब बचा हुआ पैसा, बैलेंस अमाउंट, टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। ओके, सो हियर ऑलरेडी वी हैव स्टडीड थ्री मेथड्स ऑफ मेकिंग रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू पे, ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट देने के हमने तीन मेथड की डिटेल में लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। सो दिस इज मेथड नंबर थ्री, वेयर रिटायरिंग पार्टनर इज पेड कैश अलॉन्ग विथ लोन। मतलब जो भी अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो कैसे पे करेंगे? हम लोग कैश पे करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट उसके लोन अकाउंट को हमें ट्रांसफर करनी होगी। सो हियर वी हैव पेड ₹5,000 टू प्रधान बाय कैश। ओके, एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो भी हमें प्रधान अकाउंट के कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस हमें मिलेगा वो हमें उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। ओके, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट? अनदर नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। नाउ हियर वी हैव टू प्रिपेयर थ्री थिंग्स इन द क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर 8 lines। ओके, 8 line के लिए आप क्या प्रिपेयर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट प्रिपेयर करोगे। ओके, देन वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर जो है राजा रानी एंड प्रधान, उनका हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर 8 to 9 lines। ओके, एंड देयर आफ्टर वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ कंटिन्यूइंग फर्म, दैट इज फॉर राजा एंड रानी। ओके, नाउ हियर वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर 12 lines। ओके, सो दैट इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म इन दिस क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अवर फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन विल बी, पहला हमारा स्टेप क्या होगा? वी विल स्टार्ट फ्रॉम एडजस्टमेंट। नो, कीप इन माइंड हियर वी हैव टू फॉलो बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का जैसे हमने बेसिक फॉलो किया था वही बेसिक आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के लिए फॉलो करना है, उस चीज के लिए आपको यूज करना है। ओके, लेट मी स्टार्ट। एडजस्टमेंट नंबर वन, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज इन द बुक्स एट ₹20,000। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज
इन दी बुक्स एट रुपीज 20,000 गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म मीन्स ऑल पार्टनर, तीनों पार्टनर की गुडविल रेज हो चुकी है. ओके, नाउ हियर दिस इज केस नंबर वन. ओके, व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज, दिस इज केस नंबर वन. व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज एंड रिटर्न ऑफ, दिस इज केस नंबर टू. व्हेन गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज रेज, दिस इज केस नंबर थ्री. And when goodwill of the retiring partner is raised and written off, it is case number 4. So, चारों में से एक केस कौन सी है? First case है, okay? Already we have discussed in our fifth video of treatment of goodwill about valuation of goodwill. So, this is case number 1. So, what will be the journal entry? When goodwill of the entire firm is raised, जब पूरे firm की goodwill raised होती है, तो हम journal entry क्या pass करेंगे? Our journal entry will be, here we will write goodwill, working note number 1, goodwill of entire firm is raised. Goodwill of the entire firm is raised. Our journal entry will be, we write here goodwill account debit. हम गुडविल को रेज कर रहे हैं, हमारी असेट बढ़ रही है. सो व्हेन असेट इज इंक्रीज, व्हेन द वैल्यू ऑफ असेट इज इंक्रीज, वी हैव टू डेबिट असेट अकाउंट. जब आपकी असेट इंक्रीज होती है, वो बढ़ती है, तो आपको असेट को क्या करना है? डेबिट करना है. गुडविल हमारी असेट है, सो गुडविल अकाउंट डेबिट. हियर वी विल राइट केस 1. This question is based on case number 1. So goodwill account debit to all partners capital account. All partner means to Raja, Rani and Pradhan's capital account, to Raja's capital account, to Rani's capital account, and to Pradhan's capital account. Okay, now goodwill account debit, goodwill is raised by rupees 20,000. So in debit side we will write 20,000. Now that goodwill we will distribute among all partners, all three partners in their old profit sharing ratio. When goodwill is raised, it is to be distributed among all partners in their old profit sharing ratio. So here we will write old ratio. Goodwill तीनों partner को old ratio से बांटना है. Our old ratio is 5:3:2. Okay. So 20,000 into 5/10. It will be 10,000 for Rani, 20,000 into 3/10, so it will be 6,000 for, sorry, 10,000 for Raja. For Rani, okay, and Pradhan's ratio is 2, so 2/10, it will be 4,000 to Pradhan, okay. Now we have past journal entry for goodwill of the entire firm is raised. Okay, now we will show the effect of goodwill is entire firm raised in partner's capital account. Now here our journal entry is goodwill account debit. Now all of you know that when goodwill of entire firm is raised, jab pure firm ka goodwill raised hota hai, to hume wo goodwill kahan show karna hai? Balance sheet ke asset side mein show karna hai. Okay, so goodwill account debit, okay, goodwill account is debited, so that effect we are going to show in balance sheet
असेट साइड गुडविल फर्म की रेज होगा, एंटायर फर्म की रेज होगी, तो आप वो कहां पे शो करोगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करोगे. ओके, सो हियर वी विल राइट गुडविल अकाउंट. अमाउंट ऑफ गुडविल इज 20,000. टू, राजास कैपिटल अकाउंट, रानीस कैपिटल अकाउंट एंड प्रधान्स कैपिटल अकाउंट. नाउ हियर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है. ओके, सो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड विल शो द इफेक्ट ऑफ गुडविल रेज. गुडविल जब रेज होती है तो आपको उसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करना है. सो हियर वी विल राइट बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट $10,000, $6,000, and $4,000. Okay. So first adjustment is over, which is related with goodwill of the entire firm is raised in the books of the firm. Now adjustment number second is stock to be reduced by 10%. फर्नीचर बाय 5% एंड मशीनरी बाय 11%. हमारी तीनों की तीनों असेट क्या हो चुकी है? रिड्यूस हो चुकी है. ओके, सो वी विल शो दैट इफेक्ट इन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. फर्स्ट इज स्टॉक, सो हियर वी विल राइट स्टॉक. अमाउंट ऑफ स्टॉक इज गिवन 17,500. Now stock is reduced by 10%. अगर कोई असेट आपकी रिड्यूस हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो आपको लेस करना है. स्टॉक की वैल्यू हमारी कम हो रही है, तो हम 10% को माइनस करेंगे. ओके, सो माइनस 10% डिक्रीज, रिड्यूस मीन्स डिक्रीज. ओके, नाउ 17,500 इंटू 10% इट विल बी 1,750. In outer column, amount of stock will be 15,750. Okay. Now next is furniture by 5%. Here also amount of furniture is reduced by 5%. Now when there is reduced in the value of asset, it is called as a depreciation. Okay. So furniture ki value kam ho rahi hai, matlab uske upar humne kya charge kiya hai? Depreciation charge kiya hai. So here we will write furniture. Amount of furniture is given 5,000. So 5,000 minus 5% depreciation. 5,000 into 5%, it will be 250. Okay. So in outer column, we will write 4,750. Okay. Next asset is machinery is depreciated by 11%. Okay. So here we will write machinery. Amount of machinery is 30,000. So 30,000 minus 11% depreciation. Now 30,000 into 11%, 30,000 के ऊपर 11% आप चार्ज करो, इट विल बी 3,300. सो इन आउटर कॉलम वी विल राइट 26,700. ओके, नाउ सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस एडजस्टमेंट, तीनों के तीनों असेट की हमारी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. नाउ व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, जब असेट की वैल्यू कम होती है, तो इट विल बी द लॉस फॉर द बिजनेस. ये हमारे बिजनेस का क्या है? लॉस है. एंड यू नो ऑल लॉसेस वी हैव टू शो इन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. बिजनेस का कोई भी लॉस
हमें कहां शो करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में शो करना है। ओके, सो इन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड वी विल राइट टू फर्स्ट स्टॉक टू स्टॉक अकाउंट 1750 टू फर्नीचर अकाउंट 250 टू मशीनरी अकाउंट 3300। ओके, सो अवर सेकेंड एडजस्टमेंट इज ओवर नाउ। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट इज आरबीडीडी। आरबीडीडी मीन्स रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर। डेटर के ऊपर हमें 5% क्या मेंटेन करना है, आरडीडी मेंटेन करना है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आरडीडी, वी हैव लर्न फाइनल अकाउंट। ओके, आरडीडी वी हैव टू रिड्यूस फ्रॉम डेटर। आरडीडी हम डेटर से क्या करते हैं, लेस करते हैं। बिकॉज ऑफ आरडीडी देर इज डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ डेटर। सो आरडीडी हमें पहले क्या करना होगा, डेटर से माइनस करना होगा। सो हियर वी विल राइट डेटर्स अमाउंट ऑफ डेटर इज गिवन 18,000। सो हियर वी विल राइट इन इनर कॉलम वी विल राइट 18,000। ओके, माइनस 5% आरबीडीडी, दैट इज आरडीडी 5% आरबीडीडी। ओके, सो 18,000 इंटू 5% अमाउंट विल बी 900। ओके, नो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 17,100। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ आरडीडी। नाउ सेकेंड इफेक्ट ऑफ आरडीडी विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्युएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिकॉज आरडीडी इज अ लॉस फॉर अ बिजनेस, बिकॉज ऑफ आरडीडी देर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, देर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेटर। डेटर की वैल्यू आरडीडी की वजह से कम हो रही है, हमारी असेट कम हो रही है, तो ये बिजनेस का लॉस है। ओके, एंड ऑल लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। सो हियर वी विल राइट टू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, दैट इज आरबीडीडी अकाउंट, अमाउंट इज रुपीज 900। ओके, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज एडजस्टमेंट नंबर 4, रुपीज 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम दी क्रेडिटर्स। नाउ रुपीज 200 इज टू बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मीन्स कैंसल, कम करना। क्रेडिटर से हमें 200 रुपीज क्या करने हैं, राइट ऑफ करने हैं, कम करने हैं, कैंसल करने हैं, हटाने हैं। ओके, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट, नो क्रेडिटर बी राइट इन लाइबिलिटी साइड। सो इन लाइबिलिटी साइड फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट क्रेडिटर्स अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स आर गिवन 11,200। नाउ 200 रुपीज इज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब हमें माइनस करना है। सो हियर वी विल राइट रिटर्न ऑफ ₹200। ओके, सो अवर क्रेडिटर विल बी नाउ 11,000। ओके, नाउ वेयर वी हैव टू पास सेकेंड इफेक्ट, आप सेकेंड इफेक्ट कहां पास करोगे। नाउ वेन एवर देर इज दी डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, जब हमारी लाइबिलिटी कम होती है, सो इट विल बी द प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। ओके, व्हाई, बिकॉज पहले हमें क्रेडिटर को देने थे 11,200। क्रेडिटर मीन्स व्हाट, क्रेडिटर मीन्स द पर्सन टू हुम वी हैव टू पे दी मनी। क्रेडिटर का मतलब ये होता है कि जिसे हमें पैसा देना है, ऐसा व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिटर। ओके, सो क्रेडिटर को हमें पे करने थे 11,200, हमने रिटर्न ऑफ कर दिए 200 रुपीज, अब हमें क्रेडिटर को देना है
11,000, दैट मीन्स 200 रुपीज का हमें क्या हुआ है, फायदा हुआ है। जो पहले हम क्रेडिटर को देने वाले थे 11,200, अब हमें देने पड़ रहे 11,000 रुपीज। ओके, सो वी हैव गॉट बेनिफिट और प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,000। सो एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट वी हैव टू शो इन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, सो इन रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड विल राइट बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, अमाउंट रुपीज 200। ओके, आई होप ऑल फोर एडजस्टमेंट विच वी हैव सॉल्व आर क्लियर टू यू नाउ। ओके, नाउ वी विल सॉल्व एडजस्टमेंट नंबर 5। आउट ऑफ अमाउंट ड्यू टू दी प्रधान, प्रधान इज अ रिटायरिंग पार्टनर। ओके, सो आउट ऑफ अमाउंट ड्यू, ड्यू का मतलब पेएबल, जो अमाउंट हमें पे करनी है दैट इज कॉल्ड एज अ ड्यू। ओके, सो आउट ऑफ अमाउंट ड्यू टू दी प्रधान रुपीज 5,000 टू बी पेड बाय कैश। हमने प्रधान को 5,000 रुपीज क्या पेड की है, कैश पेड की है। ओके, एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम उसे उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। ओके, नाउ दिस एडजस्टमेंट विल सॉल्व आफ्टर क्लोजिंग, आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर मेकिंग पोस्टिंग ऑफ बैलेंस शीट एंड आफ्टर क्लोजिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर के सेटलमेंट की एडजस्टमेंट हमें सबसे एंड में सॉल्व करनी है, जब हम अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। ओके, नाउ वी विल सी एडजस्टमेंट नंबर 5 लेटर ऑन। नाउ वी विल डू पोस्टिंग ऑफ बैलेंस शीट। ओके, क्रेडिटर वी हैव सॉल्व एडजस्टमेंट नंबर 4 ऑन क्रेडिटर। ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड, अमाउंट इज 9,700। सो हियर वी विल राइट बैंक ओवरड्राफ्ट 9,700. Next is reserve fund. Now reserve fund will be transferred to partners capital account credit side. Okay, partners capital account ke credit side mein reserve fund likha jayega. Now here we have to write by balance brought down. Partners ka jo bhi opening balance hota hai wo hame capital account ke beginning mein likhna hai. Okay, so ye jo goodwill maine likha hai wo thoda main niche shift karunga. Okay, so here we will write by goodwill account. Okay, always remember opening balances of partners we have to show at the beginning of partners capital account credit side. Okay, so ye goodwill mein ab yahan se hata raha hu. Okay, we are on reserve fund 15,000. So here we will write by reserve fund 15,000. Always remember, if reserve fund, general reserve is given in liability side, then we have to distribute it among all partners in their old profit sharing ratio. So amount of reserve fund is rupees 15,000. Okay, now it will be distributed among Raja, Rani and Pradhan in the ratio of 5/10, 3/10 and 2/10. Okay, ₹7,500 for Raja. ₹4,500 for Rani and ₹3,000 for Pradhan. Okay, so here we will write ₹7,500, ₹4,500 and ₹3,000. So in this way we have distributed reserve fund among all three partners in their old profit sharing ratio. Okay, old profit sharing ratio se
हमें रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस दिए हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बैलेंसेस ऑफ कैपिटल ऑफ राजा रानी एंड प्रधान, दीज आर दी ओपनिंग बैलेंसेस। सो हियर इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन राजा, कैपिटल बैलेंस इज 42,000, फॉर रानी इट इज 37,000, एंड फॉर प्रधान इट इज 33,200। ओके, सो इन दिस वे वी हैव डन पोस्टिंग ऑफ items of liability side, or we have done posting of balances of liability side. Now asset side, cash 7600. Okay, so cash we will show in asset side. Now amount of cash we will show in inner bracket of asset side. Okay, now why I am showing amount of cash in asset side, because एट दी टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हमें पार्टनर को पेमेंट करनी है। ओके, सो इसका इफेक्ट हमें कैश में शो करना होगा। अगर हम कैश को पार्टनर को कैश पे करेंगे तो उसके वजह से फर्म की कैश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, सो दैट इफेक्ट वी आर गोइंग टू शो हियर। ओके, एंड दैट्स व्हाई द अमाउंट ऑफ कैश विच इज रुपीज 7600 विल बी शोइंग इनर साइड ऑफ असेट कॉलम। ओके, उसके लिए सेपरेट कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दैट विल बी द न्यू थिंग फॉर यू, ये आपके लिए नई चीज है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर जैसे चैप्टर में आपको कैश अकाउंट बना सकते हो, लेकिन आपको अगर जगह कम गिर रहा है या जगह कम है तो आप उस अमाउंट को असेट में इनर कॉलम में शो कर सकते हो। ओके, डेटर, स्टॉक, मशीनरी ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड, लैंड 70,000, सो इन असेट साइड वी विल राइट लैंड, अमाउंट ऑफ लैंड इज 70,000। ओके, वी विल राइट इन अमाउंट इन आउटर कॉलम। फर्नीचर, देयर वाज एडजस्टमेंट नंबर 2 ऑन फर्नीचर। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव डन पोस्टिंग ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड फर्म, ओके, और पोस्टिंग ऑफ बैलेंस शीट ऑफ old partners. Okay, now first of all here we will close profit and loss adjustment account to find out whether firm has got a profit or a loss after retirement of the partner. Pradhan retired होने के बाद firm को profit हुआ है या loss हुआ है, ये find out करने के लिए हम क्या करेंगे, profit and loss account को close करेंगे. Okay, now here total of debit side is greater than total of credit side, debit side की total ज्यादा है, so there will be a loss. Okay, profit and loss account के debit side का total ज्यादा है, so पहले हम close करेंगे, it is rupees 6,200. Okay, now 6,200 minus 200. Okay, in debit side we record all expenses and losses. Okay, so expenses or losses ka total is 6,200 minus income 200 rupees. Okay, so there will be a loss. So here we will write by partners capital account in bracket we will write loss. Okay, now that loss of rupees 6000 will be transferred to partners capital account. Loss हमें कहाँ transfer करना है, partners capital account को transfer करना है. Okay, so here we will write name of the partners, Raja, Rani, Pradhan.
ओके. नाउ 6200 माइनस 200 लॉस विल बी फॉर 6000. सो 6000 6000 6000 इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. व्हाट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 5/10, 3/10, 2/10. ओके, सो 3000 सॉरी 3000 1200. सो देर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 6000. ओके, टोटल इज 6200. नाउ द लॉस ऑफ रुपीज 6000 विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. ओके, ये जो हमें लॉस मिला है रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में, वो हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में. सो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड विल राइट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ब्रैकेट विल राइट लॉस 3000 1800 and 1200. Okay, now we will close partners capital account one by one. Har ek partner ka hum account one by one close karenge. First of all we will close अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. हु इज रिटायरिंग पार्टनर? प्रधान. सो पहले हम प्रधान का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं. ओके, नाउ हियर यू कैन सी क्रेडिट साइड टोटल ऑफ प्रधान इज ग्रेटर. प्रधान के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है. इट इज रुपीज 40,200. ओके, 40,200. Now we will make settlement to the Pradhan. Pradhan ko hum settlement karenge. Okay? Now 40,200 minus 1,200. Pradhan ke credit side ka total tha 40,200. Okay? Debit side ka total hai 1,200. So remaining amount will be 39,000. So this will be the surplus which is payable to the Pradhan. Okay? प्रधान को जो हमें सरप्लस पे करना है, जो अमाउंट ड्यू है वो है 39,000. ओके, नाउ ये हम उसे कैसे पे करेंगे? सो आउट ऑफ 39,000 वी विल पे. ओके, आउट ऑफ अमाउंट ड्यू टू दी प्रधान, अमाउंट ड्यू कितना है प्रधान के लिए? 39,000. 5,000 टू बी पेड बाय कैश. हम उसे कैश कितना पे करेंगे? 5,000 रुपीज. ओके, सो 5,000 रुपीज विल बी पेड बाय कैश. This is cash amount, okay? And remaining amount will be 39,000 minus 5,000. It will be 34,000, okay? Remaining amount, that is rupees 34,000, to be transferred to his loan account, okay? So, ये amount उसके हम loan account को transfer करेंगे, okay? फर्म उसे क्या कर रही है? Loan account को transfer कर रही है, okay? So, 42,000 minus 1,200, we will get a balance of rupees 39,000. और ये balance या ये surplus, हम retire partner का क्या करेंगे? Payment करेंगे. जो भी amount due है, वो उसे pay करेंगे. So, first of all, here we will write to cash bank account. हमने cash payment कर दिया है retiring partner को. So, it will be transferred to cash bank account. 5,000 rupees. Okay? Now remaining amount is rupees 34,000. So ये amount हम प्रधान को loan के तौर पे transfer करेंगे. So here we will write to loan account. Amount is 35,000. Okay? Now we have to show second effect. हमें उसका second effect देना है. Okay? 5,000 rupees हमने उसे cash paid किया है. ये कैश पे प्रधान को कैश किसने पेड किया? इट इज पेड बाय दी
फर्म, ओके ये पैसा किसके जेब से जा रहा है, फर्म के जेब से जा रहा है, ओके। नाउ वी आर हैविंग कैश बैलेंस ऑफ रुपीज 7600 एज पर लास्ट ईयर, हमारे पास कैश बैलेंस था 7600 जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, आउट ऑफ विच वी हैव पेड 5000 टू दी प्रधान, तो वो हम माइनस करेंगे, ओके। सो 7600 माइनस 5000 विच इज पेड टू दी प्रधान, ओके। नाउ रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कैश विल बी 2600, ओके। सो कैश का हमने इफेक्ट दे दिया, ओके। नाउ सेकेंड इज लोन 34000, ओके, जो फर्म को उसे या प्रधान को क्या करना है, इन फ्यूचर पेड करना है। प्रधान को 34000 का जो सरप्लस बैलेंस फर्म ने कैसा पेड किया है, लोन के फॉर्म में फर्म पेड करने वाली है, सो इट्स अ लायबिलिटी फॉर दी फर्म। ये 34000 फर्म को फ्यूचर में एज अ लोन किसे पे करने है, प्रधान को पे करने है, सो ये फर्म की क्या होगी, लायबिलिटी है। सो दैट इफेक्ट वी विल शो इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ओके। सो हियर वी विल राइट प्रधान्स लोन, प्रधान्स लोन एंड अमाउंट इज रुपीज 34000, ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव गिवन टू इफेक्ट्स ऑफ कैश पेमेंट। कैश पेमेंट से हमने 5000 रुपीज माइनस किया क्योंकि ये फर्म ने पेड किया, एंड अमाउंट ऑफ लोन ऑफ रुपीज 34000 विच फर्म इज गोइंग टू पे इन फ्यूचर, वी हैव शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ओके। नाउ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर राजा एंड रानी, बोथ आर गोइंग टू कंटिन्यू देयर बिजनेस इन फ्यूचर, दोनों पार्टनर अपने बिजनेस को फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू मतलब वो बिजनेस को आगे लेके जाने वाले हैं, ओके। सो वी विल क्लोज देयर बैलेंसेस नाउ, ओके। फर्स्ट इज राजा, टोटल ऑफ राजा इज 59500, ओके। हियर ऑल्सो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर 59500, रानी अमाउंट इज 47500। नाउ हियर वी विल गेट अ बैलेंस, ओके। दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर का हमें जो बैलेंस मिलेगा दैट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर, ओके। सो हियर वी विल राइट टू बैलेंस कैरिड डाउन, ओके। नाउ फॉर राजा 59500 माइनस 3000, सो क्लोजिंग बैलेंस विल बी 56500, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ राजा, ओके। रानी 47500 माइनस 1800, इट विल बी 45700, ओके। रानी के क्रेडिट साइड का टोटल है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 47500, टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 1800, सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज 45700, ओके। वी विल राइट द टोटल 59500 फॉर राजा एंड 47500 फॉर रानी। नाउ बोथ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर वी आर गोइंग टू शो इन न्यू बैलेंस शीट, ओके। दोनों पार्टनर बिजनेस आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, सो उनके हमने यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, ओके ओके। सो हियर वी विल राइट पार्टनर्स कैपिटल। नाउ टू पार्टनर्स आर देयर, राजा एंड रानी, प्रधान हैज गॉट रिटायर्ड, प्रधान रिटायर्ड हो चुका है, ओके। सो वी आर नॉट गोइंग टू शो कैपिटल ऑफ प्रधान इन न्यू बैलेंस शीट, ओके। हमने उसे फाइनल सेटलमेंट कर दी है, सो राजा एंड रानी 56500 फॉर राजा एंड 45700 फॉर रानी, ओके। सो टोटल ऑफ कैपिटल बैलेंसेस विल बी 1,02,200. Now we will do the total of balance sheet. First we will do total of liability side.
टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड इज 1,56,900 एंड टोटल ऑफ असेट साइड इज ऑल्सो 1,56,900. It means both sides of balance sheet, that is asset side and liability side, are equal now. Okay, so this is how we have solved question number 1, page number 172 from our BK textbook, which is related with retirement of partner. Okay, now I request all of you to watch this video properly, try to understand this question and try to note down this question in your BK notebook. Okay, thank you students, thank you for watching my video.